पकड़ लो, मेरे को कोई देगा नहीं। लगा कि ये कब से होने लगा, तो जब उन्होंने पूछा तो जवाब मुझे मिला कि लड़कियां लाल मिर्चियां रखती अपने पर्स में, पॉइंटर्स रखती अपने पर्स में, आप काफी चीजें ऐसे रखने को लगता है उनको क्योंकि वहां पे काफी छेड़छाड़ी होती है और कभी भी उन पर डर लगने लगा। तो मतलब ये जो मुंबई सिटी हम जो बोलते हैं मुंबई इज द मोस्ट सेफेस्ट सिटी, ये कब हुआ? तो इसी प्रयास से मैंने एक कल्पना सूची और मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च जब कर रहा था तो मैंने देखा कि रेप केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी कहानी को लेते हुए जो बात आई मीरा की, तो फिर जो नाम पड़ा कि मैंने सोचा कि मीरा के द्वारा मैं ये सिनेमा मेरा काफ़ी लोगों तक पहुँचूँ कि ये बताऊँ कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है, और ये अब सही नहीं है तो इसको अलग तरीके से देखा जाए। और मैंने कहा कि मीरा वो नहीं होनी चाहिए कि जो हम होना चाहिए, बट वो मीरा होनी चाहिए जो ब्रेव गर्ल होनी चाहिए, जो हालांकि रिवेंज लेनी कोई अच्छी बात नहीं है, बट हम कहते हैं कि बस अब नो मीन्स नो, आई एम नॉट सॉरी, गिव इट बैक, जो ये मैसेज हम सोसाइटी को पहुँचाना चाहते हैं, ये प्रयास था मीरा द्वारा। तो ये स्टोरी के द्वारा जो हमने पहुँचाया कि तो मीरा एज टू द ब्रेव गर्ल, बिकॉज हमारे यहाँ जो इतनी सारी महिला जो काम करती है उन्हें इस तरह से देखा जाए, और आदमियों की जो सोच है पुराने जमाने से देखा जाए महाभारत या हो या रामायण हो, उस तरफ की जो सोच है उसी टाइम से जो सोच है कि हम जिस तरह से एक स्त्री की तरफ देखते हैं उसको किस तरह से देखा जाए, ये नज़रिया बदलने के लिए ये एक प्रयास रहा। और इस प्रयास के द्वारा मैंने सोचा कि ये मीडियम के द्वारा आप जो शॉर्ट फिल्म है इस मीडियम के द्वारा हम सबकी तरफ पहुँचे। थैंक्स अ लॉट, एंड मुझे लगेगा कि जितनी भी ऑडियंस उन्हें पसंद आई होगी, इसी प्रयास के साथ ये एक हमने प्रयास किया है। ओके हम ही स्टार्ट कर लेते हैं। ओके थैंक यू सो मच। सो आई गेस वी जस्ट वॉच्ड दिस फिल्म कॉल मीरा, एंड किमाया इज प्लेइंग द लीड इन दिस फिल्म, एंड इट्स अ वेरी क्या कहते हैं, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द फिल्म? इट्स अ नाइस फिल्म, बट द सब्जेक्ट जैसे कहते हैं ना आंग पे आ गया मराठी में, यू नो इट्स लाइक यू नो दिस फिल्म एक्चुअली ब्रिंग्स आउट अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट टुडे। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म दैट वी जस्ट सॉ मीरा। यू नो विमेन रेप इज बीइंग क्रिएटेड एज अ वेरी वुमेन्स इशू, whereas actually it is more about a man, you know, a breed of men who stop behaving like human beings and start behaving like animals. Basically, so it's actually you know this film brings a very different basically side. You know what, yes it is very true. There's one point that I really understand. We've been talking about Mumbai being safe, but aajkal Mumbai bhi aajkal itna safe nahi hai, aur the kind the whole story is about this girl who gets gang raped. What she has to go through, her family, everybody has to go through. They try to portray it in a way that what a girl woman goes through, and it is very true that rape is not just physical, it is mental, it's emotional, it's damaging for life. जिस तरह से ये पोर्ट्रे किया गया, आई मीन इट वॉज रियली, इट केम ऑन टू मी द होल सीन, आई कुड फील दैट गर्ल, सो इट वॉज टू मच फॉर मी राइट नाउ टू अंडरस्टैंड इट, बट येस दे हैव रियली ट्राइड टू शो इट वेरी ब्यूटिफुली। सेकेंडली दिस इज अ इशू दैट वी ऑल शुड रियली टारगेट एंड अंडरस्टैंड, एंड इट ऑल आई थिंक इस प्रॉब्लम का जो हल है, सोल्यूशन है, ये हम लोग what we can do is obviously the parents when the kids are growing up, I think conditioning is most important, sabse important cheez hai jiske liye obviously education is also important, lekin agar maa baap ne apne bachon ko ladkon ko theek tarah se bada kiya to obviously it will definitely make a change. I feel it is a very bad mentality that men have, but I'm not generally who these psychopaths have, animals really it is. I just hope that we find ways to curb this big issue that we have in India, and
बहुत यानी स्पेशली देयर बीन सम रीजंस लाइक दिल्ली को कहा जाता है कि इट्स नॉट एज अनसेफ, इट्स अ वेरी अनसेफ प्लेस, बट येस इट्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स गोइंग अराउंड. जब हम अब्रॉड बाहर जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं बाहर, उनको लगता है पता नहीं इंडिया क्या है, इट्स लाइक एवरीबडी इज रेपिंग एंड अटैकिंग एंड स्टफ लाइक दैट. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट वी आर गिविंग टू द डिफरेंट नेशंस एंड डिफरेंट कंट्रीज एज वेल. तो हमें देखना पड़ेगा, वी हैव टू लुक इंटरसेप्ट ourselves एंड ऑल द पेरेंट्स, जितने माँ बाप हैं यहाँ पे, दे हैव टू, इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग एंड हाउ दे ब्रिंग अप देयर किड्स. सो इन ऑल ऑफ अस हैव टू टेक अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी. डेफिनेटली डेफिनेटली द एंटायर सोसाइटी हैज टू टेक अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टू चेंज आवर अप्रोच एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स women. I think and women and the most heinous crime ever. Exactly. And women are not commodities and they have a right. We have, I mean, so this should be understood and respected. There is a reason. On this Women's Day, yes. Of course, there's a reason, you know, this era that we are living in, the Kali Yuga, the ruling deities are not men, the gods. The ruling deities actually are women. The Durga, the Saraswati and Parvati. I think people have forgotten it somewhere, but I would just like to say that and end this year saying that on this Women's Day, I want to definitely wish you all a very happy International Women's Day. And ye sirf saal mein ek baar hum wish karte hain, but I think this should be remembered, appreciated and talked about and respected throughout the year. Rahi baat film ki, Sunil Pitare jo hai, unhone, it's a beautiful project, it's a nice point. वी नो अबाउट दिस, हम बात करते हैं, हमारे खबरों में आती रहती हैं चीज़ें, बट एक क्लोज इंटरसेप्टिव या फिर प्रोस्पेक्टिव, क्लोज प्रोस्पेक्टिव जो दिया गया है, आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुली पुट अक्रॉस. या एडिंग टू व्हाट शी मेंशनड अबाउट वुमेन सेफ्टी, यू नो वी कीप टॉकिंग अबाउट सिटी नॉट बीइंग सेफ एटसेट्रा, बट यू नो वी ऑल्सो टॉक अबाउट पेपर स्प्रेज, bullet guns, but wo pata that's a different picture. Yes, that's a, but I don't know how much of it is even permitted here in India to carry. I completely agree with you. We have all those limitations as well. Actually, but every day could be, must be spent as a and celebrated as a Women's Day. Yes, definitely, I think so. So thank you so much. Thank you, absolutely. And thank you, sir. Wish you, and Kimai has done a good job, absolutely. So thank you. Thank you. चलो बच्ची साहब, ओके मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की आपने कोशिश की अपने शॉर्ट फिल्म में, तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस ये जानना चाहिए. बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था. It was a very sensitive subject, very vulnerable subject, very strong subject. So if you don't connect to it, you will not be able to do it properly. So I really felt very good that you know, Sunil sir had given me that opportunity to play Meera, and he believed in me that I could do it. So it was a very beautiful feeling.